अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैंड एंड फीट्स के लिए वाइटनिंग क्रीम बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और इतना इफ़ेक्टिव है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है कि आप इसको बना के यूज़ करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए जस्ट हमें क्लोबोवेट और डर्मोवेट और सीरम चाहिए। अगर हम आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप वाइटिंग कैप्सूल या इवियन फेशियल ऑयल जो होते हैं, विटामिन ई कैप्सूल, वो ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हम आज तीन चीज़ों से ही हैंड एंड फीट्स के लिए मैं आज आपको क्रीम बनाने का तरीका बताऊंगी कि कैसे हम रीज़नेबल और अफोर्डेबल क्रीम हैंड एंड फीट्स के लिए बना सकते हैं। ये हमें ग्लोबोवेट ऑरेंज वाली चाहिए और डर्मोवेट चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए एक सीरम, गोल्डन पर्ल का एक सीरम, जो कि हम इसमें सारा ऐड नहीं करेंगे, इसमें जस्ट तीन चार ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे, और एक वाइटनिंग कैप्सूल और दो हम विटामिन ई के कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। चलें इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाना है। इसके लिए कोई भी एम्प्टी जार आप ले लें, आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं, और इसमें हम इसको बनाएँगे। इसमें मैं आपको बनाने का तरीका बताऊँगी कि हमने इसको कैसे बनाना है। हम इसको, ये देखिए, मैं आपको थोड़ी ही बना के दिखाऊंगी, थोड़ी मिकदार में, थोड़ी क्वांटिटी में आपको बनाना सिखाऊंगी। ये हमने ग्लोबोवेट ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसको वन मंथ के लिए बना के भी स्टोर कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ी मिकदार में बनाना बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो हम सेम मिकदार में, सेम क्वान्टिटी में ही हम इसमें डर्मोवेट ऐड करेंगे। आपके पास कोई भी खाली जार हो, आप उसमें बना के इसको स्टोर कर सकते हैं, तो आप इसको नाइट में यूज़ करें और सुबह होते ही आपने अपने हैंड्स एंड फीट्स वॉश करने हैं। और इसके बाद ये सीरम हम इसमें ऐड करेंगे, ये गोल्डन पर्ल का सीरम है जो कि अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें सारा हम ऐड नहीं करेंगे, इसमें जन ड्रॉप्स हम इसके ऐड करेंगे। ये हमने सीरम ऐड किया है इसमें। इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और एक हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे। एक हम इसमें वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे और एक हम इसमें करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल, जो हम फेशियल ऑयल में भी यूज़ करते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये हम इसको अच्छे से अब मिक्स करके हम इसको वन मंथ के लिए भी हम इसको रख सकते हैं। ये हमारी क्रीम मिक्स हो गई है। अब इसको नाइट में आपने यूज़ करना है, नाइट को आपने इसको लगा के अच्छे से जज्ब करना है अपनी स्किन में, और चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। ये मैंने आपको इतनी क्वांटिटी में बना के दिखाई है। इसमें हमने ग्लोबोवेट और डर्मोवेट जो है वो सेम क्वांटिटी में ली है। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो जस्ट आपको बताया है कि कैसे बनानी है। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि हम सैलून में बना के ये अपने कस्टमर को सेल करते हैं, और जो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, वो पैकेज में, अपने ब्राइडल पैकेज में भी हम उनको ये क्रीम बना के देते हैं। तो आप भी, जो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है और जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, वो भी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, चंद दिनों में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और आप कहेंगे कि वाकई हमने कोई क्रीम यूज़ की है। और आप अपना जो भी रिज़ल्ट होगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको भी क्या रिज़ल्ट मिला है। मुझे बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले। और अगर आप जस्ट ये विटामिन ई कैप्सूल और वाइटनिंग कैप्सूल का इस्तेमाल अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आपको ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी, और वो भी आप ज़रूर देखें, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।